अपोजिशन के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने अयोध्या पर कुछ सवाल उठाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए और उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड समय में अयोध्या के लिए समर्पित होकर किस तरह से काम किया गया है। लगभग 1700 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में दिया गया है। अयोध्या के जिलाधिकारी हैं नीतीश कुमार, हम खुद इनसे फैक्ट चेक करने आए हैं कि सर जो बात वहाँ पर उठी है कि जबरन जमीनें ले ली गई और मुआवजा नहीं दिया गया, सीधा सीधा सवाल क्या आप कहेंगे? जो अयोध्या में जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट चलाए और इसको अयोध्या वासियों ने स्वीकार किया, अंगीकृत किया और इसके लिए सब आगे बढ़कर आए और सब लोगों ने सहमति के आधार पे हम लोगों ने पूरी व्यवस्था बनाई, इसको पूर्ण रूप से मुआवजा दिया गया। जो नियम संगत न्याय संगत था वो मुआवजा दिया गया। अचानक एक बार फिर से अयोध्या चर्चा में है। कारण ये है कि देश की संसद चल रही है और जो अपोजिशन के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने अयोध्या पर कुछ सवाल उठाए और उस सवाल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए और उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड समय में अयोध्या के लिए समर्पित होकर किस तरह से काम किया गया है। लगभग 1700 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में दिया गया है और जो उस पैसे से जो लाभान्वित लोग हैं उनकी संख्या लगभग 21,000 के करीब बताई जा रही। हमारे साथ इस समय अयोध्या के जिलाधिकारी हैं नीतीश कुमार, हम खुद इनसे फैक्ट चेक करने आए हैं कि सर जो बात वहां पर उठी है कि जबरन जमीनें ले ली गई और मुआवजा नहीं दिया गया, सीधा सीधा सवाल क्या आप कहेंगे? नमस्कार आप लोग को। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अयोध्या में जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट चलाए और इसको अयोध्या वासियों ने स्वीकार किया, अंगीकृत किया और इसके लिए सब आगे बढ़कर आए और सब लोगों ने सहमति के आधार पे हम लोगों ने पूरी व्यवस्था बनाई। और आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक एज है, अगर आप ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर सकते, आप सभी जान रहे हैं। और सभी के सहमति के आधार पे सभी ज़मीनें ली गई और उनको पूर्ण रूप से मुआवजा दिया गया। जो नियम संगत न्याय संगत था वो मुआवजा दिया गया और जैसा कि आपने भी डेटा बताया 1733 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया। केवल एयरपोर्ट में 952 करोड़ रुपये मुआवजा दिए गए, वहाँ पर लोगों को ज़मीनें दी गई, मकान लोगों ने बनाया, प्रधानमंत्री आवास योजना भी दिया हम लोगों ने। तो काफ़ी बड़े स्तर पे हम लोगों ने काम किया और ये काम इतना तेज़ी से हुआ कि लोग अचंभित हैं, लोग विस्मय की स्थिति में है कि इतना तेज़ गति से 2 साल में कैसे एयरपोर्ट बन सकता है। और अभी हम लोगों ने फेज़ 1 एयरपोर्ट का बनाया, फेज़ 2 बनाने जा रहे हैं, फेज़ 3 बनाने जा रहे हैं। लैंड 100% एक्वायर हो चुका है, हम लोगों ने मुआवजा दे दिया है, 97% लोगों ने सहमति दी है, 3% लोग नोटिफिकेशन में गए हैं। तो हम 97% लोग संतुष्ट हैं, 3% नोटिफिकेशन में गए हैं, उनको भी अपील का अधिकार है, उनको भी 100% जो भी मुआवजा होगा वो हम लोग देंगे। और आप जैसा कि आप राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ की बात करें, वहाँ हम लोगों ने आज के डेट में 85% से 90% लोग जो दुकानदार हैं वहाँ इन सीतु उनको बसाया गया, जहाँ पे थे वहीं पे टूटने के बाद जितना जो पोर्शन बचा उसको डेवलप किया गया। उसके हम लोगों ने एक फसाद बनाया है, राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ देखेंगे एक बेहतर फसाद के रूप में उभरा है। तो काफ़ी बेहतर तरीके से काम किया गया। 85% से 90% अगर प्रोजेक्ट में आपको इन सीतु बसाया जाता है, जहाँ पे है वहीं पे उनको डेवलप किया जाता है, और एक बड़ी उपलब्धि है और यहाँ अयोध्या वासियों के लिए, प्रशासन के लिए। और उसमें जो लोग पूर्ण रूप से विस्थापित होने थे उनको हम लोगों ने बहुत बढ़िया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के हम लोगों ने दिया। उसमें लोगों ने कहा कि और भी कम रेट्स पे दिया जाए, हम लोगों ने बेस प्राइस पे तय किया कि केवल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिया, जमीन का कॉस्ट भी हम लोगों ने थोड़ा केवल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुआ। फिर हम लोगों ने लैंड लोन की व्यवस्था भी करने की बात की, फिर बताया गया इंस्टॉलमेंट में उसको भी हम लोगों ने किया। तो काफ़ी स्तर पर हम लोग लगातार उसको हम लोग प्रयास करते रहे हैं कि उसको डेवलप किया जाए, इसको दिया जाए। तो हम लोगों ने काफ़ी बेहतर रूप से समन्वय करते हुए अयोध्या वासियों के साथ और सब नागरिकों के साथ बेहतर रूप से तालमेल रहा और पूरे उनकी सहमति से सारे कार्य हुए और सभी प्रोजेक्ट में सहमति रही। और जैसा कि मैंने बताया कि सब अकाउंट में हम लोगों ने इतने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और कई जगह हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना से भी जिनके मकान नहीं थे उनको कवर किया है। तो बहुत बड़े पैमाने पे काम हुआ और मैं कहना चाहूँगा जो 15 से 20 सालों में जो काम हो सकता है तो वो 2 से 2.5 सालों में हम लोगों ने किया है और बहुत तेज़ गति से किया है। और जैसा कि रोड कनेक्टिविटी की बात है, यहाँ लगभग 1212 किलोमीटर रोड का सुदृढ़ीकरण हुआ, चौड़ीकरण हुआ, नए रोड बने यहाँ लगभग, और अभी और भी आगे के जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं रायबरेली रोड है, आप अम्बेडकर नगर रोड देख सकते हैं और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोगों ने रोड कनेक्टिविटी बनाया। तो काफ़ी बड़े स्तर पर कार्य किया गया। यहाँ पे जो पौराणिक भवन थे, जो बिल्डिंग्स थे, जो मंदिर थे, मठ थे, जो बहुत पुराने थे, जीर्ण शीर्ण थे, टूटने की स्थिति में थे, उसको हम लोगों ने रेनोवेट कराया, उसको बहुत बेहतर तरीके से रेनोवेट करा रहे हैं हम लोग। अभी ये चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है और ये मैं बता रहा हूँ निर्माण की प्रक्रिया है। निर्माण की प्रक्रिया में लोगों को कष्ट हो सकता है, जब सृजन होता है तो सुख सृजन का सुख अलग बात है। सर हम लोग तो अयोध्या लगातार, चूँकि लखनऊ कहते हैं ना कि छोटे भाई भ्राता लक्ष्मण की नगरी,
भी है, राजधानी भी उत्तर प्रदेश, हम लोग वहीं रहते हैं, बराबर अयोध्या से आना जाना है, चारों तरफ निर्माण का काम चल रहा है लगातार, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही। मैं भी गया भक्ति पथ, जहाँ पर बहुत ही सकरी एक सड़क हुआ करती थी, आज वहाँ देख रहा हूँ कि एक बड़ा कॉरिडोर बना हुआ है, दोनों तरफ कलर में दुकानें दिख रही हैं, एक ही डिज़ाइन एक ही कलर, देखने में भी अच्छा लग रहा है। लोगों से मैंने बात किया, राहुल गांधी ने जो सवाल किया था उस पर मैंने फैक्ट चेक किया, तो लोगों ने संतुष्टि जाहिर की, कहीं नहीं हमारी जो दुकान तोड़ी गई, जो ये चौड़ा हुआ है, उसका हमें मुआवजा मिला है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा संतुष्टि हो कि भाई रेट कम मिला ज़्यादा मिला अलग बात है। तो सर, इस तरह का जो बयान आ रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या इसमें भी कोई राजनीति है जो सीधा सीधा इससे बोला जा रहा है देश के पार्लियामेंट से? देखिए, हम लोग तो विकास की बात करते हैं, और जो हम लोग को जो प्रशासनिक अधिकारी का कार्य है विकास करना, और जो हम लोग को जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हम लोग इस इशू पर काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने यहाँ पर दुकानें बनाई, लोगों के लिए बसाई, लोगों को पुनर्वास किया, और सब कार्य बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और ये कार्य मुझे बताना चाहूँगा कि 1 से 1.5 साल पहले हो गया, और चूंकि ये सतत प्रक्रिया है, अगर कोई संतुष्ट नहीं भी है तो उसके लिए हमारे दरवाजे हम लोग सब लोग खुले रहते हैं, हमेशा बैठते हैं, हम लोग जनता दर्शन में हम लोग बैठते हैं और हमेशा खुला हुआ है। हम लोग शिकायत निवारण प्रणाली थी, और ये हज़ारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे, आप 1-2 लोगों से बात कर सकते हैं और सब लोग संतुष्ट हैं। अब ये बात होती है कि जब अयोध्या का बहुत तेज गति से विकास हो रहा है, तो जो अयोध्या उस समय थी 2 साल पहले 3 साल पहले थी, यहाँ जमीन की कोई कीमत नहीं थी, आज जब लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर इतना जब डेवलपमेंट हो गया, एयरपोर्ट बन गया, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन गया, और कई लोग आप बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के बारे में आ कि टूट गई, तो जो पुराने रेलवे स्टेशन है उसको तोड़ा जा रहा है, डेमोलिश किया जा रहा है, वो नीचे लेवल का है, जो नया स्टेशन संचालित हो गया तो पुराने को तोड़ा जा रहा है, तो उसको आप फुटेज कई लोग बना के उसको सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, कई आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर ऐसे फुटेज चल रहे हैं कि जो अयोध्या के वीडियो नहीं है, कहीं पे ठेले को हटाया जा रहा है, जो अयोध्या के फुटेज है भी नहीं उसको अयोध्या के नाम पे संचालित किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कितनी नकारात्मक भाव जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ हर तरह के लोग हैं ना, शरारत तत्व भी हैं जो एक तरफ से किसी भी काम को वो हंसी पर रखना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें। सर, एक चीज़ और देखा गया, जो अयोध्या के अभी नवनिर्वाचित सांसद हैं अवधेश प्रसाद, आज उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि पिछले 7 साल से अयोध्या का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, इसलिए लोगों को लाभ नहीं मिला है, उनको अच्छा रेट नहीं मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सर्किल रेट हमेशा रिवाइज किया जाता है, फाइनल किया जाता है, और हर एक साल उसको अपडेट किया जाता है, उसको ऑब्जेक्शंस लिए जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम बात करते हैं सहमति की, तो सहमति उनसे बात करके की जाती है, क्योंकि जो सर्किल रेट है उसे ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना रेट हम लोग देते हैं, और शहरी क्षेत्रों में 2 टाइम्स हम लोग रेट देते हैं, जो गवर्नमेंट का जो प्रक्रिया है उसके तहत मैक्सिमम दिया जाता है, वो एक मैक्सिमम की प्रक्रिया है, बात की जाती है, बात विचार विमर्श समन्वय बैठक की जाती है, उसके बाद ही रेट तय किए जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो टेक्निकल पहलू लोग नहीं समझ पाते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी रेट्स हैं, अगर हम नोटिफिकेशन में जाते हैं तो जो डीएम के सर्किल रेट्स होते हैं और जो बाजारू दर है, जो मार्केट में रेट जो चल रहा है, उसके अगर रजिस्ट्रियाँ जिस अधिक रेट पे हुई है तो उसका एवरेजिंग किया जाता है, और जो ज़्यादा होता है वो दिया जाता है। नोटिफिकेशन में अगर जाते हैं तो हम लोग, तो जो भी प्रोजेक्ट्स में ऐसी बात होती है तो हम लोग करते हैं, तो अभी हम लोग सर्किल रेट रिवाइज भी करते हैं, हम लोग पब्लिकेशन भी करते हैं, और जो रेट्स मार्केट में चल रहा है उसको भी हम कंसिडर करते हैं, तो उसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आप में कोई 1.5 टाइम्स में भी सहमति देते हैं, कई बार 2 टाइम्स में भी सहमति देते हैं, तो वो एक सहमति के आधार पर की जाती है, तो कहीं मुझे नहीं लगता है कि समस्या है। और मुझे लगता है कई बार लोग कई लोग हैं उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि हाँ आपको और अधिक मिल सकता है, लेकिन जो नियम संगत प्रक्रिया है, न्याय संगत प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोगों ने मुआवजा दिया है, और हम लोगों ने बहुत बड़े जैसे मान लीजिए कहीं अगर कोई दिक्कत है, हमने देखा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई थी, बहुत लोग कोर्ट में गए, अगर लोगों को लगता है कि हाँ कुछ अन्याय हुआ या गलत हुआ, तो कोर्ट के तो दरवाजे उनके लिए खुले हैं ना सर? नहीं, बिल्कुल, और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोगों ने चूंकि सहमति पे कार्य किया है, और इतने बड़े लोग के सहमति के आधार पे ही काम किया जा सकता है, और कहीं भी जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया गया है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एज है, और अगर आप देखते हैं सहमति पे बात बनती है और सब हम लोग करते हैं, और जो भी डेमोलिशन की प्रक्रिया होती है, बहुत लोगों ने अपने घर को साथ में खड़े होकर काम कराया है, और हम लोगों ने बहुत व्यापक समय दिया, जिसको अगर ईट काम करना था समय मंगा 1-2 महीने आराम से इत्मीनान से हम लोगों ने तोड़ा भी है, कंस्ट्रक्शन भी किया, साथ साथ दोनों काम चले हैं, इधर कंस्ट्रक्शन भी उधर उधर डेमोलिशन भी हो रहा है, और सब लोगों ने मिलकर किया है। आप सोच रह सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर कार्य हुआ है, अगर कहीं भी जबरदस्ती की जाती तो कितना लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है।
एकदम शांतिपूर्ण तरीके से कार्य हुआ है। 2.5 सालों में, 2 सालों में इतने शांतिपूर्ण तरीके से कार्य हुआ है कि आपको पता भी नहीं चला, और आज अचानक से बात हो रही है कि ऐसे हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको लग सकता है, आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से यहाँ कार्य किया गया है और बहुत न्याय संगत और नियम संगत तरीके से कार्य किया। सर, देखा गया कि इसी बीच में अयोध्या में अग्निवीर की भर्ती भी हुई, आप भी वहाँ पर गए थे मुआयना करने, 13 जिलों के लोग आए थे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, क्या कहेंगे सर, आज चूँकि लास्ट डेट था 2 जुलाई। नहीं, हम लोग जो भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पे रेगुलर होती रही है, यहाँ पे ARO अमेठी जो है अमेठी से किया जाता है, और प्रशासन इसमें जो आवश्यक व्यवस्था वो चाहते हैं वो हम लोग कहते हैं ट्रैफिक की व्यवस्था, तो बहुत बेहतर तरीके से संचालित हुई है, और हम लोग जो भी उनको भर्ती प्रक्रिया में प्रशासन का जो सहयोग जाता है हम लोग देते हैं। तो हमारे साथ अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार थे, जिन्होंने कहा कि बहुत कम समय में, रिकॉर्ड समय में, लगभग 2 साल में पूरे अयोध्या को सजाया गया, संवारा गया और वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं दी गई, वर्ल्ड क्लास के चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट, उसको बनाया गया श्रद्धालुओं के लिए। वीडियो जल्दी सचिन सैनिक के साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या। अपोजिशन के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने अयोध्या पर कुछ सवाल उठाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए और उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड समय में अयोध्या के लिए समर्पित होकर किस तरह से काम किया गया है, लगभग 1700 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में दिया गया है। अयोध्या के जिलाधिकारी हैं नीतीश कुमार, हम खुद इनसे फैक्ट चेक करने आए हैं कि सर जो बात वहां पर उठी है कि जबरन जमीनें ले ली गई और मुआवजा नहीं दिया गया, सीधा सीधा सवाल क्या आप कहेंगे? जो अयोध्या में जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट चलाए और इसको अयोध्या वासियों ने स्वीकार किया, अंगीकृत किया, और इसके लिए सब आगे बढ़कर आए और सब लोगों ने सहमति के आधार पे हम लोगों ने पूरी व्यवस्था बनाई, इसको पूर्ण रूप से मुआवजा दिया गया, जो नियम संगत न्याय संगत था वो मुआवजा दिया गया।